के द्वारा आयोजित खतियानी महासभा में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो आज झारखंड 23 सालों पे अगर लड़ रहा है, तो हर नौजवान जो पहले मुर्गा दारू के पीछे जाता था उसको लड़ने सिखाया है। तो हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी मंच पर उपस्थित है, हमारे छोटे भाई योगेश मंच पर उपस्थित, आयोजक कमिटी कलाकार रेवती दीदी आई है, और यहाँ उपस्थित तमाम माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, आदरणीय बुजुर्गों को और अभिभावक तुल्य मजदूर किसानों को मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूँ और जय झारखंड करता हूँ। साथियों, 23 साल का झारखंड में जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है, इससे आप लोग सब वाकिफ हैं। और जो अभी आंदोलन चल रहा है, उलगुलान चल रहा है, जो हम लोग लगातार पांचों प्रमंडल के 24 जिले के तमाम वर्गों के लोग चट्टानी एकता का परिचय देके सभी को एक स्वर में कर रहे हैं कि 740। अरे इतना धीरे बोलिएगा तो कैसे होगा? विधानसभा में बैठे सरकार तो कर रहा है, चल तो एक बार सब पर बोलिएगा 740। अगर 740 चल तो बताइए झारखंड का गठन कहा हुआ? ये हुक्मरानों को पूछिए कि अगर 740 चलते तो हमारा पूर्वजों ने खून त्याग बलिदान कुर्बानी दे करके बिहार से अलग झारखंड राज लिया ही क्यों? और आज हम रामगढ़ से आह्वान करते हैं कि जो भी नेता मंत्री विधायक जो कहेगा बिना खतियान का 740 चलते उसको धरती से काट दीजिए। 2024 में कोई विधायक सांसद एमएलए मंत्री न चलते। हमारा पूर्वजों ने त्याग बलिदान कुर्बानी देके झारखंड अलग राज्य का गठन इसलिए किया था कि झारखंडी लोग झारखंड में मास्टर बनेंगे, झारखंडी लोग पुलिस सिपाही बनेंगे, झारखंडी लोग बीएसपी बनेंगे, झारखंडी लोग यहाँ का फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करेंगे, झारखंडी लोग का मान सम्मान होगा। लेकिन यहाँ के जितने भी तमाम, चाहे वो भाजपा के हो, आजसू के हो, जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, एक एक विधायक सिर पर सिर अपना कमीशन के लिए, अपना ठेकेदारी के लिए और अपना निजी स्वार्थ के लिए तमाम क्रांतिकारी कर्मानों को ठुकरा करके खतियान को सरकिनार करके 740 के नीचे जा रहा है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आखिर 740 क्यों है? तो तोरे से मौका कहनी है कि हम अगर झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड जितना भी अगर बदल के आज का माफिया लोग है, वो माफिया लोग इस झारखंड को सोने का चिड़िया के नजर से देखता है और वास्तव में ये झारखंड सोने का चिड़िया है। लेकिन पहले सोने का चिड़िया को जो लुटने आता था वो घोड़ा में आता था, और घोड़ा में आकर के एक दिन लूट के जाता था। लेकिन अब जो बाहरी माफिया लोग हैं, वो माफिया लोग 40 के तहत आ रहा है, 40 के तहत बाहरी माफिया लोग झारखंड में आ रहा है। पहले तो घोड़ा में आता था और अब
लगेगा। तो ये 40 का घोड़ा क्या है जो बाहर के माफिया लोग आएंगे, इसको समझना जरूरी है भाई। अच्छा से बैठ लो। तो तोरे सोकर जनाल 100 मान लिये 100 है, भाषा में कोई दिक्कत है ना? तो 100 माने जे 60 और 40, तो 60 के 100 माने उस 60 में महाविश्रण बाहरी के बहुत कचरा भरा रहा 60 में, और जे 40 के वो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से पूरा का पूरा बाहर के, मतलब 100 में 40 बाहर के माफिया नहीं आवा, 100 में 60 से 70 बाहर के माफिया आवा 60-40 नीति के तहत। तो बताओ ये 100 खाली नौकरी रखे, ये सिर्फ थर्ड और फोर्थ ग्रेड के बात करो, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के बात करो, तो यह लगभग लगभग 5 लाख हमारे के सृजित पौधा है, सेटा मैंने 3.5 लाख एखन रिक्त पौधा है। पिछला 7 साल झारखंड में बहाली नहीं हुआ है, और एखन 3.5 लाख पद में जो विज्ञापन निकले थे वो विज्ञापन ने झारखंड के शब्द के गायब कर रहा है, और पूरे भारत के लोग के हुआ आमंत्रण कर जाते हैं, और झारखंड के अलावा देश के तमाम राज्य चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का बात करें, चाहे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक का बात करें, हर एक राज्य के हमने विज्ञापन उठाई के दी थी, नौकरी के आवेदन उठाई के दी थी, हर एक राज्य में ने उस राज्य के निवासी होना अनिवार्य के, लेकिन भारत के एकमात्र राज्य जहाँ झारखंड के शब्द के गायब कर दिलाए, तो रामगढ़ का धरती से ये सरकार को कह देना चाहते हैं कि जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है वह विज्ञापन झारखंडियों का कोई काम का नहीं है। कहे कि मान लिया कि दादा के एकता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले मास्टर डिग्री के एकता सर्टिफिकेट दे जाए 90% 99% के, और उस सर्टिफिकेट के दादा के नाम में नहीं रही। अब बता बता तो के लंदन ले तो ऑक्सफोर्ड ले तो हार्वर्ड ले तो मास्टर डिग्री तो कतलो प्रतिशत तो, और वो सर्टिफिकेट दे तो नाम भी रही तो कौन कौन काम करे के तो से रकम जो विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है वो विज्ञापन झारखंडियों का कोई काम का नहीं है। और आज तो ये देखा था कि लगातार जो हमने फिर आंदोलन चले थे, और इस सरकार हमारे जन्म जात के विरोधी ना लगी, हमारे जन्म जात के दुश्मन ना लगी, और हमें कई आंदोलन का ना कोनो पार्टी के फायदा पहुंचा के, ना कोनो पार्टी के लाभ पहुंचा के, ना कोनो पार्टी के हानि पहुंचा करके हमें कई आंदोलन का जो टाइगर जयराम दादा फिर दिशा निर्देश में चलो थे वो आंदोलन का मित्र आंदोलन के, ये जमहूरियत के बचाए के आंदोलन के, ये झारखंड के बचाए के आंदोलन के, आने वाला पीढ़ी के भविष्य के बचाए के आंदोलन के, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा जाना कि आंदोलन के कोई विपक्ष का है
यहाँ का नोटिस, यहाँ का एफआईआर, यहाँ का जेल भेजने का धमकी इस बात का सबूत है कि आप निर्दल होकर लड़ रहे हैं। वो इस बात का सबूत है कि आप यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं। वो इस बात का सबूत है कि आने वाले भविष्य का आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस बात का सबूत है कि आप किसी का चापलूसी नहीं कर रहे हैं। और आज यहाँ रामपुर के इस टिमरा के मैदान में है जितना भी हमरे के माए बहन काका काकी जेठा जेठी सब आई हमरे घर तोहरे में न एकता रिश्ता है, एकता रिश्ता है। वो रिश्ता का बहुत गहरा रिश्ता है के वो रिश्ता है के ईमानदारी का रिश्ता, वो रिश्ता है के संघर्ष का रिश्ता, वो रिश्ता है के खून का रिश्ता। और जखन हमने रांची में आंदोलन में पुलिस के लाठी खाती माथा फोड़ा रही खून बहात रही सही खड़े हैं रामगढ़ के माटी के मैं सब तोहरे ये खून बहात रहा माथा फाड़ रहा। तो रामगढ़ के माटी दिखा दिलो कि अपने बच्चों के सिर्फ बेटा नहीं बेटा के साथ माँ भी खड़ी है और जरूरत पड़ेगा तो माथा भी फोड़ाने के लिए तैयार है। ये वही रामगढ़ की बाटी है। और इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारी पुलिस के लाठी के द्वारा माँ बहन के खून बहा जा है तो सरकार उस सरकार के भक्ति छोड़ा है। इतना झारखंड के इतिहास के